अरे हम मित्रों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो में। ऐसा करता हूँ क्या सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में दोस्तों बना रहे हैं शिवलिंग को गले लगाने वाला एक छोटा सा गणेश भगवान मूर्ति। तो बने रहिएगा मित्रों। पहले तो हमने बेस बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा मिट्टी लेंगे और स्क्वेयर शेप में कुछ इस प्रकार से बना देंगे। स्क्वेयर शेप में बना देने के बाद थोड़ा सा मिट्टी और ले लेंगे और उसी मिट्टी को दोस्तों कुछ इस प्रकार से गोल कर देंगे और उसे वहाँ पे कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे वहाँ पे इसी तरह बना करके। दोस्तों ये जो बना रहे हैं ये शिवलिंग को बनाने के लिए बना रहे हैं दोस्तों। इसी तरह लड्डू की तरह बना लेंगे और उसी को चपटा करके कुछ इस प्रकार से पतला सा स्लेब बना लेंगे और ऊपर के साइड में लंबा सा पतला कॉयल बना लेंगे और वहाँ पे ऊपर से चिपका देंगे और कुछ चिपका देंगे उसके ऊपर में। तो इसी प्रकार से बना करके और एक लंबा सा कॉयल बना लेंगे थोड़ा मोटा करके और उसी को शिवलिंग बना लेंगे कुछ इस प्रकार से वहाँ पे पानी करके चिपका देंगे। तो बन गया हमारा शिवलिंग हो गया। अभी चलते हैं गणेश भगवान जी को बनाते हैं। पहले तो थोड़ा मोटा करके लंबा कॉयल बना लेंगे और उसी को दो भाग बना करके कुछ इस प्रकार से बैंड कर देंगे और इसी को घुटने टेक कर शिव जी को गले लगाने वाला कुछ इस टाइप का गणेश भगवान जी के बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से बना देंगे दोस्तों। देख सकते कुछ इस प्रकार से हम पैर को बना रहे हैं, पहले स्ट्रक्चर की तरह बना देंगे और उसके बाद धीरे धीरे इसी प्रकार से मिट्टी जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे ऐड करते जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों बना देंगे। पैर को बना देने के बाद कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा ज़्यादा मिट्टी लेंगे और इसी को पेट बना देंगे कुछ इस प्रकार से बना करके। पहले इस शेप की तरह बना लेंगे, मतलब स्ट्रक्चर बना लेंगे क्योंकि दोस्तों बाद में वहाँ पे उंगलियाँ मतलब पहुँच नहीं पाएगा, टूट जाएगा बाद में बनाएंगे, तो इसलिए पहले ही बना करके वहाँ पे चिपका देंगे कुछ इस प्रकार से। तो चलिए इसी प्रकार से बने रहिएगा वीडियो में। थोड़ा बहुत बढ़ेगा स्ट्रक्चर इसी प्रकार से, मिट्टी जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे ऐड करते जाएंगे। देखते रहिएगा वीडियो में। और एक बात मित्रों, अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे थे दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो थोड़ा बहुत ही पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। अभी और मित्रों थोड़ा सा लंबा सा कॉइल पतला सा बना लेंगे और इसी को कमर बंधन बेल्ट बना लेंगे और इसी तरह नीचे की तरफ धोती बनाने के लिए पतला पतला स्लेब बना लेंगे और कुछ इस तरह से वहाँ पे चिपकाते जाएंगे। और यहाँ पे टूल की मदद से कुछ इस प्रकार से धोती का होल्ड को बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से बना देंगे और ऊपर में ब्रश लेंगे और उसी को पानी की मदद से फिनिशिंग कर देंगे। तो बन गया हमारा धोती। तो इसी प्रकार से बना देंगे। धोती को बना देने के बाद दोस्तों अभी और लंबा कॉइल बना लेंगे और उसी को दोस्तों दो भाग करके कुछ इस प्रकार से हाथ बना लेंगे। पहले तो हाथ का मसल्स थोड़ा बहुत रखने के लिए थोड़ा बहुत मिट्टी और ऐड कर देंगे वहाँ पे इसी प्रकार से। और इसको हाथ कुछ ऐसे बना लेंगे। तो को बनाने के साथ साथ दोस्तों उंगलियों को बनाने के लिए हमने पतला पतला इसी प्रकार से पतला पतला कॉइल बना लेंगे और इसी प्रकार से चिपका देंगे और इसी को दोस्तों ऊपर में थोड़ा सा मिट्टी ऐड कर देंगे। तो बन गया हमारा उंगली। तो इसी प्रकार से दोनों हाथ को बना देंगे, मतलब ये दो भुजाएँ वाला गणेश भगवान जी बना रहे हैं, चार भुजाएँ वाला नहीं। तो इसी प्रकार से बना देंगे दोस्तों। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। मैं तो आप लोगों को वीडियो के अंत में, तब तक वीडियो का एंजॉय करते रहिएगा। शरण।
दोस्तों गणेश भगवान की मुशकराज को बना देने के बाद हमारा मूर्ति जो है कम्प्लीट हो चुकी है, कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है फाइनल लुक में। आई होप कि आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।